स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। और टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त आ चुका है तमाम नगर निकाय और नगर पालिका का सफर करते करते भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट। और चित्रकूट की एक बड़ी जनता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये आवाज दिल्ली तक जाए और ये पता चलना चाहिए कि नगर निकाय से लेकर नगर पालिकाओं में क्या कुछ चल रहा है। और देखिए तमाम दलों के जनप्रतिनिधि इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, सबकी सहभागिता है, समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी, कांग्रेस से लेकर बीएसपी। और इस बार के चुनाव की खास बात ये कि आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। शुरुआत बीजेपी से, क्योंकि वो सत्ता में है और इस बार अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपको जिले की कमान मिली हुई है और ऐसा बताया जाता है, जिस सीट पर मैं खड़ा हूँ यहाँ आज तक के इतिहास में बीजेपी कभी नहीं जीती है, उधार के कैंडिडेट के भरोसे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जीती थी, उस कैंडिडेट को आपने शामिल करा लिया और इस बार उसी को अपना उम्मीदवार आपने बनाया। हमने उम्मीदवार बनाया है, बिल्कुल सही है। लेकिन यह कहना गलत है कि कभी बीजेपी जीती नहीं। बीजेपी यहाँ इसके पहले भी जीत चुकी है। गोपाल कृष्ण करवरिया चेयरमैन है नगर पालिका के, भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीते। भारतीय जनता पार्टी सही बोल रही है, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बीजेपी कभी इतिहास में नहीं। गोपाल गण करवरिया कांग्रेस के थे, इनके थे नहीं। कांग्रेस कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी का जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। ना, भाजपा सिंबल से, कमल चुनाव चिन्ह से। अच्छा, जीते थे। उधार के उम्मीदवार के भरोसे क्यों रहते हैं? पिछली बार आप लोग हार गए, आपने कैंडिडेट उठा लिया समाजवादी पार्टी वाला और इस बार उसको उम्मीदवार, क्या बीजेपी में, बीजेपी के कैडर में उम्मीदवार नहीं बचे? नहीं, कैंडिडेट बचे बीजेपी में सब है। भाजपा ने उनकी पर निष्ठा रखी, विश्वास रखा, वो सपा में रहे, वहाँ पर गुंडागर्दी देखते वो वापस आ गए। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी देखकर वो वापस आ गए, ऐसा आरोप लगा रहे। पिछली बार जो आपका कैंडिडेट था वो बीजेपी में शामिल हो गया, ये कह रहे हैं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी में इतनी गुंडागर्दी थी कि वो कैंडिडेट छोड़कर भाजपा में आ गए, हमने उनको उम्मीदवार बना लिया। देखिए ये सब निराधार है। ये केवल जो है जो समाजवादी पार्टी से वो जीते थे उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगा करके उनको डरा धमका करके अपनी पार्टी में ले लिया, इनका शामिल करा लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। ये कोई विकास का काम नहीं होता यहाँ, सिर्फ जो है जुमलेबाजी होती है, जुमलेबाजी की सरकार है। कांग्रेस क्या सोचती है ये बताइए, क्या पूरे देश की तरह जिस तरह बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, काम कुछ नहीं हुआ? कुछ चित्रकूट में काम हुआ है कि नहीं हुआ? चित्रकूट में कुछ काम नहीं हुआ। और आपने जो आप कह रहे हैं कि जुमलेबाजी की पार्टी है, झूठ की, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, उनका आरोप है, सारे लोग कह रहे हैं। उसकी शुरुआत आदरणीय अध्यक्ष जी ने जिले से कर दी है। इन्होंने फिर हमारा कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना बता दिया, समाजवादी को ले गए अपनी भाजपा में। और ये गलत बोल रहे हैं, वो निर्दलीय उनकी पत्नी चुनाव जीती कड़ाही से, वो कांग्रेस की थी, वो इनकी पार्टी के कभी गोपाल कर। अच्छा ये बताइए, यहाँ भाजपा कांग्रेस सपा हो रहा है, बसपा कहीं है निकाय चुनाव में? बहन जी तो निकलती नहीं है, बसपा ही बसपा नजर आ रही है। पूरी बात ये है कि जितने भी दल के अपने अपने लोग खड़े हुए हैं, ये सब जानते हैं कि कौन जीतना है, किसका काम है, किसने काम किया, किसने विकास किया है। बाकी सब नजर आ रहा है, कहीं कुछ नहीं है। पूछ रहे थे क्या चित्रकूट में कोई विकास कार्य हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या सबसे 2000 आपको तो नजर आएगा क्योंकि आपने गले में कमल वाला पटका डाला हुआ है, आपको तो विकास नजर ही आएगा। जनता बताएगी ना कि काम हुआ कि नहीं, ग्राउंड लेवल पे हुआ है। इतने 2017 से पहले इतने चेयरमैन हुए, आज तक ट्रैफिक चौराहा का निर्माण क्यों कोई नहीं करवा पाया? 2017 से पहले आज तक राम घाट का निर्माण क्यों कोई नहीं करवा पाया? 2017 से पहले आरती क्यों नहीं होती थी? 2017 के बाद होने लगी ना। विकास कार्य, यही सब विकास कार्य। जब सपा का कैंडिडेट था तो यहाँ पर, जब सपा का कैंडिडेट था यहाँ पर, तब रोडें धुलवाई जाती थी, रोडें हमारी दुर्गा विसर्जन पर रोडें धुलवाई जाती थी, ये हम लोग भूले नहीं है। हम दोबारा इनको जीतने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी सरकार में विकास के मुद्दे की बात करिए, जिनकी सत्ता है वो कहेंगे कि विकास हुआ है, उनको कहने दीजिए। विपक्ष का काम है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन सच भी सुनिए। विपक्ष का क्या काम है? यही तो काम है। अरे मेरी बात सुनिए, सच सुन रहा है तो कैमरे को मंदाकिनी की ओर ले जाइए, और ये कहते हैं सच देखना है तो गलियों में नाले में ले जाइए। कोई विकास नहीं, नालियां नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अभी आप जिस भी गलियों में चले जाइए, बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे, आप बहुत दूर नहीं जाइए, एसडीएम कॉलोनी में चले जाइए। बहुत जरूरी बात। इस बार के चुनाव में मैं अलग अलग शहरों में जब जा रहा हूँ तो तमाम बातें हो रही है, ना गुंडा राज ना माफिया राज की बात भी हो रही है। क्या नगर पालिका में गुंडागर्दी और माफियावाद भी कोई मुद्दा है यहाँ पर?
इस बार कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ विकास, विकास का मुद्दा, सिर्फ विकास, कोई सुशांत कोई मुद्दा नहीं। योगी जी से आने से सब समाप्त है, पूरी तरह गुंडे भग गए, गुंडे है ही नहीं यहाँ पे, नहीं है। सपा सपा का वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जिले में सफल है, और वो सपा सपा पूरी तरह से साफ, हाथी आप पंजा कहीं दिख नहीं रहा, सिर्फ कमल ही कमल, जनता का समर्थन है, सिर्फ कमल है, सिर्फ कमल है। अच्छा इस बार आ रहे एक एक आम आदमी पार्टी, आप वापस आ रहा हूँ, पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आपकी पार्टी पार्टिसिपेट करे, किन मुद्दों किन नारों के साथ आप आएंगे? हमारा पहला नारा है और पहला प्रश्न भी है, पूर्व चेयरमैन से जो वर्तमान में भाजपा से टिकट पा करके, कि सबसे बड़ा विकास जो आपने किया है नगर में हाउस टैक्स बढ़ा करके, वो कितना परसेंट बढ़ाया है? नगर का विकास कैसे होगा? हाउस टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा ना, अगर अच्छा अच्छा एक बात हाउस, आपको पूछा क्या कि आपका क्या नारा है? हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ के नारे के साथ आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, क्या इसे लोकल का चुनाव है, स्वयं सक्षम है, व्यक्ति विशेष का चुनाव है? नीलांशु चतुर्वेदी, एक मिनट, नीलांशु चतुर्वेदी राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी हैं, दो बार के एमएलए हैं और स्टार है हमारे यहाँ। देखिए इन्होंने विकास किया नहीं तो इन्हें बड़े बड़े नेता उतारने की जरूरत है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है, एक एक कार्यकर्ता प्रियंका गांधी है और हम लोग विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। गंभीरता ये है कि कांग्रेस ने अपने AICC मेंबर को एज ऑब्जर्वर एक नगर पालिका के लिए भेजा, ये गंभीरता है। नीलांशु चतुर्वेदी जानते हैं? हाँ। कौन है ये? है? कौन है ये? कौन? नीलांशु चतुर्वेदी कौन है? विधायक रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस कार्य हमारे स्टार प्रचारक हैं, आप पहचानते हैं नीलांशु चतुर्वेदी को? बिल्कुल नहीं पहचानते, सुनिए, ये कहते हैं हम नीलांशु चतुर्वेदी को नहीं जानते, इनमें से 50% लोग वोट देते हैं विधानसभा में, कैसे कह देते हैं आप लोग वोटर हैं और झूठ बोलते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं। मध्य प्रदेश में जाके वोट देते हैं। टोटल मुस्लिम भाजपा को समर्थन कर रहा है, भाजपा के साथ है। क्या नाम है आपका? हबीब खान। हबीब खान, सोच समझ कर बोलिएगा, पूरा देश आपको देख रहा है, आप किस तरफ देख रहे हैं? धीरे से बताइए किस तरफ देख रहे हैं आप? किधर देख रहे हैं? हाँ। भारतीय जनता की तरफ देख, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और ये कांग्रेस वाले सुन रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी वाले सुन रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था वो कर दिखाया, कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास हुआ है क्या इस सरकार में? मैं इनके सबका साथ सबके विकास की पोल खोलता हूँ। ये जो है सपा बसपा भाजपा की भी टीम है, ये गुंडे पालते हैं, एक दूसरे को गुंडे इम्पोर्ट करते हैं। आपको भी टीम, आपको अच्छा ये बताइए, आप सुन लीजिए, सुनिए नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ सुनिए आपको कहा जा रहा है। अरे यार सुनोगे, पहले बात सुनिए ये कह रहे हैं सपा और बसपा बीजेपी की बी टीम है, इस आरोप पर आपका क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की संरक्षण दाता है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे नगर निकाय में। आप बताएं, आप लोग बीएसपी वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं निकाय चुनाव में? निकाय चुनाव में हमारी पार्टी जीत रही है, जीत रही है, पूरी तरह से जीत, भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी, बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है, बीजेपी जमानत जब्त हो रही है, बीजेपी चित्रकूट जिले में चारों निकाय सरकार बनाने जा रही है, प्रचंड बहुमत से हमारे खिलाफ नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाएंगे। जब मायावती की सरकार थी तब ये नारा लगाते थे, मोहर लगेगी हाथी में, लाश मिलेगी घाटी में, और आज ये भूल गए, आज ये कह रहे गुंडा राज है। इनके मारो जूते चार, ये बसपा का नारा था, बसपा का नारा था, और दलितों की मसीहा का दावा करने वाली दौलत की बेटी बन गई, और ये बात करते हैं मुद्दों पर। दलितों का मसीहा बनने वाली बेटी दौलत की बेटी बन गई, दौलत की बेटी नहीं दलित की बेटी है बहन कुमारी मायावती। ये जो नारा कह रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये नारा दिया गया था कि नहीं? मैं इस चीज को चैलेंज के साथ कहूंगा, अगर बहन जी की वॉइस में एक भी शब्द ये लोग बता दें तो हम सारी बातें। मायावती जी की आवाज में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं हुआ। अच्छा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसके सरकार में हुआ? समाजवादी पार्टी में, बीजेपी में, बीजेपी में, सपा, बीजेपी, सपा, 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 बीजेपी में, भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कह रहे हैं क्या मुद्दा है?